दोस्तों अगर आपको इस तरीके की लॉस रिकवरी करनी है, पूरे लॉस रिकवर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। और यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है कि इसका फेलियर होता है तो स्टॉक में बहुत बड़ा देखेगा आपको मंदी या तेजी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा कोरिलेशन बैंकों से है। क्योंकि जिस ग्रुप की मैं बात करने जा रहा हूँ वो 25 जनवरी के बाद से पहली बार लोन मांगने जा रहा है। पहली बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से, और वो जो लोन की अमाउंट है वो भी $3 बिलियन के ऊपर है। कितनी? $3 बिलियन के ऊपर है। और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि लोन फेलियर हो सकता है। अगर इनको लोन फेलियर होता है तो फिर स्टॉक्स में देखिएगा रेडनेस, ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, और फिर बैंकों में भी ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अडानी जी पर अभी कई सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, वो भी प्रूव हुए हों या ना हुए हों, सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी बिल्कुल टला नहीं है। तो अडानी इन टॉक्स विद द ग्लोबल, अभी अपडेट आई है, बैंक टू रिफाइनेंस लोन टेकन फॉर अंबुजा सीमेंट एक्विजिशन रिपोर्ट। अब आप समझ सकते हैं कि आपने एक लोन लिया था आपने 5 लाख रुपए का, 5 लाख का लोन से लेके आपने देखिएगा एक कंपनी खरीदी थी, एक प्रोडक्ट खरीदा था। अब प्रोडक्ट आपने खरीदा था, आप धीरे धीरे देखिएगा उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे और 5 लाख का लोन की किस्त दे रहे थे। बट अचानक से देखिएगा कोई दिक्कत आ जाती है कि आप किस्तें नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसे में एक देखिएगा चारावस्था है कि आप एक नया लोन ले लो 2 लाख रुपए का, जिससे आप इसकी किस्तें आराम से देते रहो, जब चीज़ें सही हो जाएंगी तब आप दोनों की किस्तें देना शुरू कर देना। तो यही कुछ चीज़ ऐसे होने वाली है, इसी को कहते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन, या फिर जो भी लोन लिया गया था उससे और भी ज़्यादा लोन लेना उसको सही से सर्व करने के लिए, इसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डील है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। द डील इज नॉट येट फाइनलाइज बट इट मूव्स अहेड, यानी ये लगातार दे आर इन टॉक विद, देखिएगा दे आर इन टॉक विद द फाइनेंसर। और आप देख सकते हैं जो अमाउंट है बहुत बड़ा है, 3.8 बिलियन। आप समझ सकते हैं $3.8 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे इनको ये लोन मिल जाता है तो स्टॉक शूट अप होंगे, बैंक शूट अप होंगे। और अगर ये लोन का रिजेक्शन आता है या फिर लोन सही से नहीं मिल पाता, कोई अटकल आती है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बताया जा रहा है बैंक सच एज बार्कलेस, डच बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और देखिएगा मिशीबिशी और फाइनेंशियल ग्रुप इंक आर इन टॉक्स टू पार्टिसिपेट इन द रीफाइनेंसिंग डील। तो आप समझ सकते हैं रीफाइनेंस करने के लिए कई बड़े ग्रुप आएंगे सामने। और यहाँ पे अडानी जी ने कहा है डेट फाइनेंसिंग के साथ साथ इनको करना है अपना, देखिएगा क्या अपना असेसमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कराना है, उसमें ये भी कंसीडर करवाना है कि अभी रिसेंटली जो इन्होंने प्री पेमेंट करे हैं 2026 तक के अपने फर्दर लोन्स के, तो उनको उस चीज़ को भी असेसमेंट में लें आप, ताकि आप मेरी क्रेडिबिलिटी को और अच्छी तरीके से आंक सके। तो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं इनका मेन यहाँ पे देखिएगा रीफाइनेंसिंग का जो मोटिव है, री इवैल्यूएशन कराना क्रेडिट का, रीपेमेंट स्टेटस चेक करना, रीफाइनेंसिंग डेप करना। और आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा, जो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 6 महीने में जो लोन देखेगा प्रीपेड करे हैं उसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब प्रॉब्लम आ रही है देखिएगा अडानी को इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेबी, ये जो सेबी का इनके ऊपर देखिएगा अभी भी रडार पूरी तरीके से है, और इसका फैसला अगस्त में देखने को मिलेगा, वो अभी देखिएगा कंफर्मेशन भी नहीं है। इसको सब लोग सीरियस मानते हैं, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एलिगेशन प्रूव हुआ, कोई भी ऐसी सस्पेंस निकला, कोई भी ऐसा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन निकला जिससे इनको कोई दिक्कत आई, तो उससे जितने भी देखेगा लेंडर्स हैं वो भी प्रभावित होंगे, जितने भी बैंक्स हैं, और इनके स्टॉक्स तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन अटकल है वो है ये इन्वेस्टिगेशन जो आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो कल इसके हिसाब से जैसे भी आगे जो फर्दर डीले होंगी इसके हिसाब से ही अडानी के स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। और अडानी के स्टॉक्स में देखिएगा अगर प्रेशर आता है, जैसे कि आप देख रहे हो, चाहे अडानी ग्रीन हो, चाहे अडानी टोटल गैस हो, चाहे देखिएगा अडानी पावर हो, चाहे अडानी पोर्ट्स हो,
तो अगर कोई भी प्रेशर क्रिएट होता है अडानी ग्रुप पे, तो बैंकों में जो 26 बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हों, पब्लिक बैंक हों, उन पे आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जैसा आपको देखिएगा 25 जनवरी के आसपास देखने को मिला था, क्योंकि 25 जनवरी को कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो गिरा ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।